अच्छा खबर तो चली गई मराठी में अभी खबर गई लेकिन गहराई लाओ जी जी देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था, किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के दो मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया, तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था, उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है, जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे हैं, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंदरेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और यह गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की, मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की, और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने यह कहा कि आप बाहर निकलिए नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और यह सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में
आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है। और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है, इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी लोगों का तय दिल से स्वागत करता हूं। देवेंद्र जी, फडणवीस साहब यहाँ आए, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है, वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे, लगातार हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद जी के साथ में जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग, अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात, और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जीतने का जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे, और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जो
जिन्होंने उनको चुन के दिया है उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसके साथ ये इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ने महाविकास आघाड़ी की है। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है ये किसी को मंत्री या किसी को, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ, ये निर्णय हुआ है, एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है, इसे हम एजेंडा आगे लेके जा रहे थे। और आज मैं धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है, ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा के अध्यक्ष उनका भी धन्यवाद, और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक हैं उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग साथ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10 50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है, और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है, मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा, और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही कहूंगा, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाही आहे, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाही आहे, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो, भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो। Thank you.